काफ़ी अच्छा टेबल लग रहा है, डेकोरेशन हमने कर दी है सारी। एंड आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं मेरी मामा ने, एंड काफ़ी इस पर मेहनत लगी है, इनने रात से ही काफ़ी तैयारी की हुई थी एंड सुबह इन्हें बना दी। तो गाइस अब मैं अपने नेबर्स को देने जा रहा हूँ इफ्तारी, तो आपको जैसे कि पता है शेयरिंग इज केयरिंग, एंड नेबर्स को देने का ना बहुत शौक मिलता है, तो मैं अब पूरी बिल्डिंग के नेबर्स को देने जा रहा हूँ इफ्तारी, तो आप देख सकते हैं। तो लेट्स गो, अब मैं आपको इफ्तारी दे के मिलता हूँ। ये दरवाज़ा मुझे खुल नहीं रहा था एंड अब हमारी इफ्तारी का टाइम होने वाला है। गैस इफ्तार का टाइम करीब आ रहा है एंड मुझसे काफ़ी वेट हो ही नहीं रहा। गैस जितना इफ्तार का टाइम करीब आता है ना उतनी गैस आपको भूख लगती है, एंड आप जब टेबल पे बैठते हैं ना 10-15 मिनट पहले तो आपको इतनी ज़्यादा भूख लगती है सब खाने और डिशेस को देख कर, क्या क्या आगे पड़ा हुआ है, कितनी चीज़ें पड़ी हैं, बट वेट ही नहीं होता गैस। दिल करता है खा जाओ तोड़ दूँ रोज़ा, बट अल्लाह के लिए हमने इतना बुरा दिन वेट करते हैं, तो आप थोड़ा वेट किया है हम कर 10-15 मिनट तो और वेट कर ही सकते हैं। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ एंड दुआएँ पढ़ रहा हूँ ताकि हम कबूल होए हमें रोज़ा वाला। तो गाइस अभी अज़ान हो चुकी है, तो अब मैं खोल रहा हूँ रोज़ा अपना। तो सबसे पहले मैंने खोला शरबत से, वो भी जामिशी से, एंड उसके बाद मैं खोल रहा हूँ रोज़ा डेट से। मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी तो मैं डेट में क्रीम डाल के एंड उसके अंदर थोड़े से पीनट्स वगैरह डाले हैं, आलमंड्स डाले हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें, एंड ऊपर क्रीम डाल के एंड उसके ना टॉपिंग डालकर पूरी क्रीम डाल के देख सकते हैं काफ़ी मज़े की क्रीम थी गाइस, ये चॉकलेटी क्रीम काफ़ी हो गई थी ना गाइस। जैसे ही मैंने उसका सैंडविच बना के अपने मुंह में डाला गाइस पूरा ब्लास्ट हो गया था गाइस, पूरा फ्लेवर्स के अंदर ब्लास्ट हो गया था, हर कुछ मिक्स होके इतना मज़े का गाइस बन गई थी डिश। ये आप ज़रूर ट्राई करना रोज़े में, इफ्तार में। गाइस मेरी इफ्तार अब कंप्लीट हो चुकी है एंड अब मैं रोज़ा खोल चुका हूँ, एंड काफ़ी ज़्यादा मज़े मज़े की डिशेस थी, एंड अब मैं जा रहा हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करने के लिए, क्योंकि उसने हमें काफ़ी सारी चीज़ें दी खाने के लिए और हमें रोज़ा इफ्तार करने के लिए। अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا